नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज और स्वागत है आपका वास्तु शिखर में। काफ़ी समय से मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी था वास्तु कंसल्टेंसी को लेके, वास्तु विजिट को लेके, तो मैं टाइम नहीं दे पा रहा था वीडियो बनाने को लेके। लेकिन क्या हुआ कि हमने पीछे एक सही दिशा कैसे निकाले, इसके लिए हमने यूट्यूब पे लोगों के नॉलेज के लिए एक वीडियो डाला था। वो भी हमारे स्टूडेंट्स और कई सारे क्लाइंट्स का डिमांड था कि सही तरीके से एक डायरेक्शन निकालने का तरीका बताएं, क्योंकि बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट हैं ना, वो गलत गलत तरीके से मिसगाइड कर रहे थे। जैसे मान लीजिए प्लॉट है, तो वो प्लॉट चाहे लंबा हो, स्क्वायर हो, किसी भी साइज का हो, उनके अनुसार से सिर्फ ईशान कोण कोने में ही होता, पूरब हमेशा सीधा ही होता, और वो कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई डिग्री नहीं निकालना, वो सिर्फ कोना कोनी को लेके, जैसे ईशान कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण और वायव्य कोण जो है वो चारों कोने पे होंगे, ऐसा मान के ही वास्तु का गाइड कर रहे थे। और मुझे आश्चर्य होता है कि लोग कैसे इन्हें समझते हैं। आजकल के समय में पढ़े लिखे लोगों को पता है कि अगर नॉर्थ 0 डिग्री है और ईस्ट 90 डिग्री है, तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा 45 डिग्री पे ही आएगा। ये कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, क्लास 6 से ही आई थिंक लगता है, उससे पहले से ही सिखाया जाता है कि डिग्री निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है। और प्लस में आपको पता है 0 और 90, तो जो बीच का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट होता है वो ऑब्वियसली 45 डिग्री ही होगा। तो जब हमने वीडियो डाला वास्तु के डायरेक्शंस को लेके, दिशा को लेके, तो उसमें कुछ वास्तु कंसल्टेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि इस तरीके से गलत बता रहे हैं, या उनको शायद पसंद नहीं आया हमारा वीडियो, या उनके लॉजिक के अगेंस्ट था इसलिए शायद उनको बुरा भी लगा। तो मैं एक बार फिर से, और वेदों की बात कर रहे थे कि वेद में इस तरीके से नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना पूरा तरीके से और वेद में क्या है उसके बारे में बता के आपको पूरे डिटेल में समझाऊं। तो इसलिए मैंने दोबारा एक बार डायरेक्शन को बारे में लेके आया कि आज के समय में तो हम लोग कंपास और गूगल मैप की सहायता से डायरेक्शन निकाल लेते हैं, बट क्या पुराने समय में 500 साल पहले, 1000 साल पहले, जब किले बनाए जाते थे, जब घर बनाए जाते थे, राजा भोज के समय में जब वास्तु किया जाता था, क्योंकि राजा भोज बहुत बड़े वास्तु शास्त्री थे, तो उस समय जो वास्तु था उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे, ये सभी के मन में सवाल होगा। क्योंकि ना ही कंपास था अच्छे तरह का, और ना ही उस समय कोई गूगल मैप की सहायता से एंगल निकाला जाता था, फिर कैसे निकालते थे और कैसे डिवाइड करते थे कि 45 डिग्री आएगा, कैसे डिसाइड करते थे कि नॉर्थ कितना घुमा हुआ है, ये कैसे पता करते थे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उस समय का साइंस भी बहुत डेवलप था, मैं उसके बारे में भी बताऊँगा कि पुराने समय में दिशा निकालने का तरीका क्या था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे उन वास्तु शास्त्री तक जरूर पहुंचाएं जिनको ये पता नहीं है कि दिशा कैसे निकालते हैं, जिनको ये पता नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ आएगा, कैसे निकालते हैं, जिनको पता नहीं कि नॉर्थ कितना टिल्ट है, कितना घुमा हुआ है, ये कैसे निकालते हैं और कोना कोनी बना के बता के और वो घर का नक्शा बना देते हैं, और कोई व्यक्ति उनके विश्वास करके, उनकी बातों में आके और 50 लाख रुपए करोड़ रुपए लगा के घर बनाता है, और पता चलता है कि जब घर में चला गया तो जाने अनजाने में उसने ईशान कोण में टॉयलेट बना लिया, जाने अनजाने में उसने नैऋत्य कोण में टॉयलेट बना लिया, जाने अनजाने में उसने जो किचन अग्नि कोण में बनाया था, पता चला कि अग्नि कोण वो है ही नहीं, अग्नि कोण तो कहीं और आ रहा है। कभी ऐसा हुआ जिसे उसने उत्तर माना था, पता चला वो ईशान कोण था, उत्तर कोने पे आ रहा था। तो ऐसे वास्तुशास्त्री तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, टोटल जो है वो 360 डिग्री होता है, इसको हम लोग सर्कुलर निकालते हैं। सर्कुलर निकालने की परंपरा अभी से नहीं, बहुत पहले से है, हम उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। मैंने क्रॉस इसलिए किया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट में ये 0 डिग्री आया नॉर्थ, ये ईस्ट आया 90 डिग्री। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वास्तु के डायरेक्शन के बारे में समझाऊँ, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन अगर गलत निकला तो आप चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, आप कितना भी वास्तु के जानकार हो, आप जितना भी कैलकुलेशन करेंगे वो सब बेकार है, क्योंकि डायरेक्शन सबसे बड़ा बेस है। मैं कहता हूँ डायरेक्शन सही निकल गया ना, तो आपने 70% वास्तु कंप्लीट कर लिया। अब तो सिर्फ बैठाना बाकी रह गया, कौन सी चीज़ को कहाँ बनाना है, कौन से टॉयलेट कहाँ बनाना है, दरवाज़ा कहाँ निकालना है। तो डायरेक्शन निकालते समय मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट निकालते हैं, नॉर्मल वास्तुशास्त्री क्या करते हैं, यहीं पे नॉर्थ ईस्ट मानते हैं, इसी को 45 डिग्री समझ लेते होंगे, या इसी को नॉर्थ ईस्ट समझते हैं।
अब ये नॉर्थ जीरो यहाँ है, 90 यहाँ है, तो 45 यहाँ कैसे होगा? तो 45 के लिए क्या होता है, इसको हम लोग स्क्वायर बना लीजिए, स्क्वायर प्लॉट, और इसके बाद ये जो कोण आएगा ये 45 डिग्री आएगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इसका यहाँ पे होगा, इस जगह पे नॉर्थ वेस्ट होगा। तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये जो कैलकुलेशन है जो कोने पे निकालते हैं बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट जो सही निकालने का तरीका है वो ये है, सेम प्लॉट का साइज है, सेम जीरो डिग्री बिल्कुल ऊपर है, हमने इस पे गोल एक सर्कल लगाया डायरेक्शंस का, सीधा पता चल गया ये जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया और ये यहाँ साउथ ईस्ट हो गया। ये जो तरीका है इसी तरीका से घर में प्लॉट पे डायरेक्शन निकाला जाता है, इसी के अनुसार से डिसाइड किया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, यहाँ किचन बनाएंगे। तो क्या करते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, वो यहाँ किचन बना देते हैं, उनको लगता है साउथ ईस्ट वहाँ है, तो फिर वो गलती करते हैं। अब उनको लगता है और फ़ोन भी करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ किचन बना देंगे और यहाँ पर बना देंगे टॉयलेट, बहुत खुश कि हमारा टॉयलेट तो अग्निकोण में है ही नहीं। और बाद में पता चला घर में गए तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ गई, पेट की समस्या आने लगी, पूरा पैसा खत्म हो गया, कर्जे में डूब गए, और पूरा का पूरा अग्निकोण का जो वास्तु दोष होता है ना वो शुरू हो गया। अब आप समझिए कि उनके मन में क्या बैठा है, हमने घर वास्तु से बनाया है, उनके मन में ये बैठा है कि हमारा किचन अग्निकोण में है। फिर जब हम लोग के वीडियोज़ को देखते हैं कि अग्निकोण में बना हुआ टॉयलेट की वजह से क्या समस्या आती है, उनको पूरा मैच करता है, लेकिन वो बार बार देखते हैं तो उनका अग्निकोण में किचन दिखता है। फिर यही लोग ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं कि हमारा घर तो वास्तु से बना है, फिर हमें क्यों प्रॉब्लम इस तरह का। तो जब वो डायरेक्शन और डिग्री जब निकालेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनको क्या इशू है और क्यों है। अब मैं बताता हूँ कि पुराने जो शास्त्र थे हमारे वास्तु के, उसमें दिशा निकालने का क्या तरीका बताया गया है और किस तरीके से निकालना है। विश्वकर्मा प्रकाशन की बात करते हैं तो विश्वकर्मा प्रकाश में भी क्या है, तो वहाँ पर भी जो दिशा निकालने का तरीका बताया गया, वो ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले भूमि को शुद्ध कर लें, उसको बराबर कर लें, फिर दिक् साधन यानी दिशा निकालने, सबसे पहले किसी भी प्लॉट के किसी भी दिशा में क्या बनेगा निर्धारण करने से पहले पहले पूरे प्लॉट को चकोर कर लें, साफ सुथरा कर लें, बराबर कर लें, फिर दिक् साधन करें, वृत्त बनाकर, सर्कल बनाकर, जो दिक् साधने दिशा साधने का तरीका, दिशा निकालने का जो तरीका है वो जो है वो सर्कल बना के आप प्लॉट के बीच में ब्रह्म स्थान में पूरे प्लॉट को बराबर कर लें, चिकना कर लें, ब्रह्म स्थान में फिर एक सर्कल बना के पहले दिशा निकाल लें। अब मैं बताता हूँ पुराना साइंस, ये कोण देख रहे होंगे आप, ये लकड़ी का कोण बनाया जाता था इस तरीके का, और इस लकड़ी के कोण से यानी एक कोण टाइप का लकड़ी का बनाया जाता था जिसका बेस चौड़ा होता था और ऊपर की तरफ त्रिकोण सा होता था, उससे वो दिशा निकालते थे। दिशा निकालने का तरीका समझिए कि कितना साइंटिफिक था उस समय और कितना एक्यूरेसी के साथ डायरेक्शन निकाला जाता था, और उन लोगों के लिए तमाचा है आज के समय में जो आज भी इस बात को बार बार प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि कोने में ही नॉर्थ ईस्ट होगा, कोने में ही साउथ ईस्ट होगा, और वेदों की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि उस समय में भी दिशा निकालने के लिए सर्कुलर का ही इस्तेमाल करते थे और उस समय में भी एंगल का ही इस्तेमाल करते थे, और 45 डिग्री जहां आता था वहीं नॉर्थ ईस्ट होता था, उनको पता होना चाहिए था। आज मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूं आपको कि पुराने समय में कैसे दिशा निकालते थे और आज के समय में कैसे दिशा निकालना चाहिए, और उन जो वास्तुशास्त्री जो गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं उनका बिल्कुल अगेंस्ट करना चाहिए, बिल्कुल विरोध करना चाहिए। अब इसको आप देखिए, इस सर्कल को देखिए जो मैं समझाने वाला हूँ, ये बीच में सन, इसके चारों तरफ अर्थ का रोटेशन है। आप लोग सुने होंगे दक्षिणायन और उत्तरायण। पहले मैं ये बता दूं, वास्तु के लिए जो डायरेक्शन निकालने की प्रक्रिया है वो सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो है सूर्य की रोशनी से। आप जो ट्रू नॉर्थ निकालते हैं, जो गूगल अर्थ की सहायता से जो ट्रू नॉर्थ निकाला जाता है वो इसी के तरह निकाला जाता है, वो इतना ही एक्यूरेट है। जो मैग्नेटिक कंपास से निकाला जाता है, वो जो नॉर्थ निकालने का जो तरीका है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, वो नॉर्थ सही नहीं होता, कहीं पे 1 डिग्री का वेरिएशन है, कहीं पे 2 डिग्री का वेरिएशन है,
और कहीं कहीं तो 5-5 डिग्री का वेरिएशन मिलेगा आपको ट्रू नॉर्थ में और मैग्नेटिक नॉर्थ में, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ जगह जगह पे चेंज हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ट्रू नॉर्थ है ये कभी चेंज नहीं होता। किसी भी जगह पे जाके आप इसको निकाल सकते हैं। तरीका समझिए कैसे निकालते थे। 20 से 22 जून को लगभग दक्षिणायन शुरू हो जाता है और दिसंबर में जाके 21 से 22 दिसंबर के आसपास दक्षिणायन खत्म होता है, वहाँ से फिर उत्तरायण शुरू होता है जो कि 20 से 22 जून तक चलता है। ये उत्तरायण और दक्षिणायन आप लोग लगभग लोग जानते होंगे, ये बहुत आसान सा भाषा है कि उत्तरायण है और दक्षिणायन है। ये सूर्य की रोशनी की वजह से होता है, क्योंकि अभी क्या है जून में पृथ्वी का तो क्या पृथ्वी का भ्रमण हो रहा है और अर्थ जो है वो 23 डिग्री के आसपास झुका हुआ है और वो भी खास करके ईशान कोण के आसपास झुका होता है, इसलिए घर जब बनाते हैं तो ईशान कोण में गड्ढा और नैऋत्य कोण उठा होता है, इसलिए नैऋत्य कोण ऊंचा बनाते हैं, इसी वजह से बनाते हैं। तो अब समझिए इसको कि दक्षिणायन और उत्तरायण के बीच वाला जो पार्ट है, जैसे 6 महीना दक्षिणायन और 6 महीना उत्तरायण, इसका जो मिडिल पार्ट है वह है सितंबर 22 से 23 और मार्च 20 से 21। इस दिन क्या होता है, आपने सुना होगा कि 22 से 23 सितंबर के बीच दिन और रात बराबर होता है और 20 से 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर होता है, और ये भी सुना होगा कि 20 से 22 जून के बीच दिन बहुत बड़ा और रात बहुत छोटा हो जाता है, वैसे ही दिसंबर में रात बड़ा और दिन छोटा, ये कैलकुलेशन है। तो क्या है 22 से 23 सितंबर और 20 से 21 मार्च के बीच सनराइज बिल्कुल प्रॉपर ईस्ट से और सनसेट जो है प्रॉपर वेस्ट में होता है। इसको मैं आपको तरीका से समझाता हूँ, एक एक तरीका बता दो, मतलब कैसे डायरेक्शन एग्जैक्ट निकालते थे। मान लीजिए प्लॉट है, पुराने समय के मैं बात कर रहा हूँ, आज के 1000 साल पहले अगर वास्तु करते थे तो उस समय दिशा कैसे निकालते होंगे। सबसे पहले प्लॉट को साफ सुथरा कर लेते थे, इसके बाद इसका ब्रह्मस्थान निकालते थे। यह निकालना बहुत आसान होता है, कॉर्नर से कॉर्नर मिला लीजिए, ब्रह्मस्थान निकल गया। इसके बाद क्या करते थे, सेंटर पॉइंट में एक पहले साफ सुथरा बराबर करके एक सर्कल बना लेते थे। मैंने क्या बताया, दो डेट ध्यान से देखिएगा, 22 से 23 सितंबर और 20 से 21 मार्च। इस दिन जो है आप समझिए 22 से 23 सितंबर को सूर्य जो है वो प्रॉपर ईस्ट से सनराइज होता है सन का, 21 से 22 दिसंबर के बीच जो सनराइज होता है वो बिल्कुल अग्नि कोण से होता है। अगर मैं बात करता हूँ 20 से 22 जून का, तो जो सनराइज होता है बिल्कुल ईशान कोण से होता है, और 20 से 21 मार्च के बीच जो है वो भी सनराइज जो है प्रॉपर ईस्ट से होता है। तो अगर मान लीजिए हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं 22 से 23 तारीख को सितंबर में, तो उस दिन का बताता हूँ क्या होगा। तो हमने क्या किया, ये जो ट्रायंगुलर जो हमने लकड़ी का तो जो शंकु बनाया उसको हमने क्या किया, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे लाके और इसको हमने रख दिया। अब मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब हम 22 से 23 सितंबर को निकाल रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। 22 से 23 सितंबर के बीच हम एक प्लॉट का डिग्री निकाल रहे हैं, हर दिन का निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन हमने आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालना है। तब ईस्ट से उस समय क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर ईस्ट से सूर्योदय हुआ, सुबह सुबह जाके हमने सूर्योदय से पहले इस शंकु को एकदम बिल्कुल ब्रह्म स्थान में ले जाके रख दिया। अब यहां से सनराइज हुआ तो ये जो शंकु है इसका शैडो किधर पड़ेगा, बिल्कुल अपोजिट में, तो जो अपोजिट में पड़ा उसका हमने एक लाइन ले लिया, ये जो पॉइंट लगा उसको हमने, ये जो कोने पे जो है इसको हमने मार्क भी कर लिया, बिल्कुल सीधे सीधे आया, हमने एक एक पॉइंट को मार्क करते चला गया, जो कॉर्नर है ना इसको हम लोग एक एक पॉइंट को मार्क करते हुए चले गए, बिल्कुल 12 बजे का जो टाइम होगा उस समय बिल्कुल सेंटर में इसकी रोशनी आ जाएगी उस समय। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सन वेस्ट की तरफ, तो अब जो इसका शैडो है शंकु का, ये जो शैडो है वो ईस्ट की तरफ आने लगा, तो वो भी हमने मार्क कर लिया। सबसे बेहतर तरीका दिशा निकालने का,
जब मार्क कर लिया तो हमारे पास एक पॉइंट मिल गया प्रॉपर ईस्ट। 22 से 23 सितंबर को सूर्य जो है वो प्रॉपर पूरब दिशा से उदय और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ये फिक्स है। तो ये मार्क करके निकल गया ईस्ट और वेस्ट एग्जैक्ट एग्जैक्टली एक्यूरेसी के साथ। अब देखिए ध्यान से, जब ईस्ट निकल गया और वेस्ट निकल गया तो बाकी के डायरेक्शन अपने आप निकल जाएंगे। तो इसी को ईस्ट मान लेते हैं, इसको वेस्ट मान लेते हैं। ये शंकु रख दिया है गोल सर्कल बना के। फिर क्या करते थे, एक डायरेक्शन तो निकल गया, अब उसमें क्या है, ये चार सर्कल बना देते थे। एक मान लीजिए कि 90 डिग्री निकल गया, 270 डिग्री निकल गया, ईस्ट और वेस्ट निकल गया, तो बहुत सिंपल है, कोई भी निकाल सकता है। 0 डिग्री नॉर्थ कहाँ पे आएगा और 180 डिग्री साउथ कहाँ पे होगा, ये निकल गया। इसके बाद क्या करते थे कि चार सर्कुलर बनाते थे, सर्कल बनाते थे, जो आप लोग आज भी पढ़े होंगे कि कैसे इंच और प्रकाल की सहायता से आप एक एक डायरेक्शन निकालते थे, कैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री है तो 45 डिग्री कैसे निकालना है, उस तरीके से वो निकाल लेते थे और वो प्लॉट पे मार्क कर लेते थे। उसी प्लॉट पे ब्रह्मस्थान में ये मार्क करके रखते थे और इसको बहुत संभाल के रखते थे। ब्रह्मस्थान हमेशा खुला होना चाहिए, इसलिए इस चीज़ को वो संभाल के हमेशा मार्क रखते थे और बार बार वो बीच बीच में चेक भी करते थे कि सही तरीके से निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे प्लॉट है तो इसमें ये शंकु रखने से फ़ायदा क्या हुआ, नॉर्थ निकल गया, साउथ निकल गया, ईस्ट निकल गया, वेस्ट निकल गया, नॉर्थ ईस्ट निकल गया, नॉर्थ वेस्ट निकल गया, सॉरी नॉर्थ ईस्ट निकल गया, नॉर्थ वेस्ट निकल गया, साउथ ईस्ट निकल गया और साउथ वेस्ट निकल गया, नहीं सभी के सभी डायरेक्शन हमने एकदम एक्यूरेसी के साथ निकाल लिए। कि मान लीजिए कि अब ये तो नहीं है कि घर बनाने के लिए स्पेशल यही दो मुहूर्त में घर बनेगा, तो दूसरा क्या तरीका होता था साथ में, तो दो डेट और है 21-22 दिसंबर और 20-22 जून। मान लीजिए 21 जून को और 21 दिसंबर को बनाना है तो उस डेट को पहले दिशा का निर्धारण का एकदम मुहूर्त रखा जाता था, उसी समय दिशा निकाल के रख लेते थे, उसके बाद निर्माण करते थे। लेकिन बीच में भी अगर निकालना हो तो वो आसानी से निकाला जा सकता था। कैसे, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट हो गया, तो ये नॉर्थ ईस्ट है। 21 जून को जो सूर्योदय होगा वो नॉर्थ ईस्ट से, तो सूर्योदय के समय जो हमारा शंकु है जो लकड़ी का हमने बनाया, उसकी जो सूर्य की रोशनी जो पहली बार इस पे पड़ी और उसके बाद जो जगह बना वो बना साउथ वेस्ट। सुबह गए, सूर्य की रोशनी जहां पर पड़ी वो साउथ वेस्ट सूर्योदय के समय, वैसे ही इसके जस्ट अपोजिट शाम के समय नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरीके से वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट निकाल लिए, तो फिर से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारा डायरेक्शन निकल सकता था। बीच में कभी बनाना हुआ तो भी निकाल सकते थे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री होता है, तो जब दिन और रात बराबर होता है और जब सूर्य नॉर्थ ईस्ट में हो, इसके बीच में 3 महीने का अंतर होता है, तो इसके बीच में क्या करते थे, 45 डिग्री और 3 महीना, तो हर दिन का कैलकुलेशन निकाल सकते थे कि किस दिन सूर्य की रोशनी कितने डिग्री पे आएगी। तो इस तरीके से वो शंकु की सहायता से पूरा का पूरा एक्यूरेट डायरेक्शन निकालते थे। सर्कुलर हम लोगों ने कभी यूज नहीं किया, शास्त्रों में जिक्र है तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि उस समय भी इसी तरीके से निकाला जाता था, बहुत आसानी से और बहुत एक्यूरेसी के साथ निकालते थे, बिना किसी कंपास के, बिना किसी मैग्नेट की सहायता से, और उस समय तो खैर गूगल अर्थ भी नहीं था कि उस समय कंप्यूटर बैठ के और निकाल देते, तब उनकी साइंस इतनी एडवांस थी, इस तरीके से एकदम एक्यूरेसी के साथ निकालते थे, इतना एडवांस था हमारा वास्तुशास्त्र उस समय। अगर हम चौकोर प्लॉट की बात करते हैं कि मान लीजिए स्क्वायर प्लॉट भी है, तो उसमें जो डायरेक्शन निकालने की जो प्रक्रिया है वो सिंपल सा है, नॉर्थ है 0 डिग्री पे, तो बाकी सभी देवी देवता का स्थान आ गया। अब मान लीजिए स्क्वायर है तो बहुत सिंपल है, नॉर्थ सीधा है, अब बिल्कुल स्क्वायर है तो हमें पता चल गया कि ये ईशान कोने इसका स्थान है, ये इस देव का स्थान है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट है, ये 45 डिग्री पे है आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है।
तो प्रॉपर जो है 50x50 का प्लॉट है। अगर हमने इसको रेक्टेंगुलर कर दिया तो रेक्टेंगुलर करते ही जो इसका स्थान है वो यहाँ पे आ गया, यानी जो ये आ गया 45 डिग्री पे। तो अब जो प्लॉट रेक्टेंगुलर हो गया तो जो है ईशान कोण कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ना कि यहाँ पे आया। हमने प्लॉट को डबल कर दिया, 50x50 को 50x100 कर दिया। नॉर्थ सेम है, सीधा ही है, बट बाकी सारे डायरेक्शन चेंज हो गए। तो जब घर का निर्माण करेंगे तो उसी तरह से निर्माण करें, जैसे अग्नि है तो अग्नि में बनाएंगे किचन, इस है तो वहाँ मंदिर का स्थान होगा, पितृ का स्थान है तो साफ सुथरा रखेंगे, तो ये उसी तरीके से डिजाइन होगा। अब फिर मैं वेदों की चर्चा और पुराने किताबों की चर्चा क्यों बात कर रहा हूँ अपने पुराने शास्त्रों की, क्योंकि एक वास्तुशास्त्री थे, उन्होंने बार बार डिस्कस हमें कमेंट कर रहे थे कि वेदों में दिखाइए कि कहाँ है ये वृत्त के तरह बना के, और जो एंगल निकाल के बताने की प्रक्रिया जो वेदों में कहाँ है। तो मैं सोचा मैं किसी से आर्ग्यूमेंट क्यों करूँ, क्यों ना उसको प्रॉपर तरीके से दिखाऊँ आप लोगों को। तो समरांगन सूत्रधार में देखिए बहुत साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो पद निकालते थे, सत पद हो गया, 64 पद हो गया वास्तु, उसके बाद 16 पद, जो 16 पद हमने बताया 16 डायरेक्शन, वो 16 पद वास्तु के लिए वृत्त और त्रिकोणाकार वास्तु विन्यास, यानी वास्तु विन्यास यानी डिवीजन करने का उस समय भी वृत्त के तरह बना के उस समय करते थे। ये किताब है समरांगन सूत्रधार, बहुत ही पुराना किताब है, 1000 साल पहले का राजा भोज का लिखा हुआ किताब है। तो वृत्ताकार जो है वो समरांगन सूत्रधार में भी है, इससे पहले भी हमने एक शास्त्र के बारे में बताया था आपको, विश्वकर्मा प्रकाश में बताया था मैंने आपको, उसमें कैसे वो प्लॉट के बीच में लगा के रखते थे। और कई शास्त्रों में तो पूरा का पूरा दिशा निकालने पे पूरा का पूरा अलग से चैप्टर ही है। अगर कोई प्लॉट मान लीजिए स्क्वायर है तब तो बड़ा आसानी से नॉर्थ ईस्ट निकल गया, जो शास्त्रों में जो पिक्चर जो फोटो बना के दिए गए हैं किताबों में वो हमेशा स्क्वायर प्लॉट पे सभी देव देवताओं का नाम दिया गया है। सिर्फ उसको पढ़ के और ये डिसाइड कर लेना कि हमेशा डायरेक्शन कोने पे होगा, ये बिल्कुल गलत है। प्लॉट के साइज कई तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से होते थे। पुराने समय में खाली प्लॉट होते थे, खाली जगह होता था, नगर का निर्माण ही पूरा वास्तु के अनुसार होता था, इसलिए रोड एकदम इस तरीके से बनाए जाते थे कि जो उतने घर बने सबका इस डायरेक्शन आए, सबका सीधा सीधा डायरेक्शन हो, स्क्वायर प्लॉट होते थे बनाते समय। तो उस समय की जो प्रक्रिया थी आज उसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल जो प्लॉट हैं वो सब अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, कोई टेढ़ा होता है, कोई सीधा होता है, किसी का नॉर्थ कोने पे है। तो सिर्फ ये स्क्वायर वाले पिक्चर को देख के जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये इस पिक्चर को देख के और ये डिसाइड कर लेना कि सभी वास्तु इसी तरीके के होंगे चाहे कोई प्लॉट कैसा भी हो, ये बहुत ही गलत है। अब हम बात करते हैं फेंगशुई के बारे में। ये फेंगशुई कंपास है, फेंगशुई कंपास का मतलब सिर्फ कंपास ही नहीं है बल्कि उसके बारे में सभी डायरेक्शंस के बारे में जिक्र किया गया है और कहाँ पे कौन से प्लैनेट्स हैं और कैसे क्या कहाँ बनाना है उसके लिए। वो चाइना में एक अलग तरीके से ये कंपास ही डिजाइन करते हैं जो बड़े साइज का होता है। तो वहाँ भी जो कंपास है वो आप बड़े ध्यान से देखिए, सारे के सारे जो डायरेक्शंस है ना वो सर्कुलर शेप में ही हैं, सेम सिस्टम है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री आ रहा है, ये 0 डिग्री नॉर्थ हो गया, सेम तरीका है। जो हम लोग निकाल रहे हैं वो भी निकालना है। वैसा नहीं है कि फेंगशुई बहुत नया शास्त्र है और अभी इसका खोज हुआ है, ये भारत से ही ले जाया गया है और ये भी हजारों साल पुराना शास्त्र है। तो वहाँ भी सर्कुलर ही दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो स्क्वायर बनाया कि जो स्क्वायर बना दिया अब कोई भी साइज है तो कोने पे ईशान कोण होगा, वहाँ भी ऐसा फॉलो नहीं करते, हमारे शास्त्र में भी फॉलो नहीं करते थे। ये पता नहीं बीच में कुछ वास्तुशास्त्री ने इसको पकड़ रखा है एकदम कि छोड़ना ही नहीं है, सब पता उनको, बस अपनी वो पुराने शास्त्र को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उसको छोड़ेंगे तो वो क्लाइंट क्या कहेंगे जिनको जिनका घर उन्होंने अपने इस सिद्धांत से बनाया था। इसी चीज़ की वजह से, इसी ईगो प्रॉब्लम की वजह से वो छोड़ना ही नहीं चाहते, उनको सब पता है, सब समझ में आ रहा है, और वो उसी चीज़ को कि कोने पे ईशान कौन होता है, कोने पे अग्नि कौन होता है, उस चीज़ को वो यूट्यूब पे इतने डिटेल में और इतना कन्विंसिंग तरीके से समझा रहे हैं कि
कि जो वास्तु का नॉलेज नहीं रखता होगा ना, उसको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। तो भ्रम में ना रहें। घर हमेशा सपनों का घर होता है। बहुत इच्छाओं के बाद, बहुत परिश्रम के बाद, बहुत पूंजी जमा करने के बाद बहुत लोग अपने जीवन में सिर्फ एक घर बना पाते हैं। अगर वो घर भी किसी गलत वास्तु कंसल्टेंट की वजह से गलत बन जाए तो पूरा जिंदगी जो है वो दुखमय हो जाता है। तो घर बनाते समय, वास्तु कंसल्टेंट का सिलेक्शन करते समय जरूर सोचिए और उनके पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो कैसे बनाते हैं, समझने की कोशिश कीजिए किस तरह के वास्तु फॉलो करते हैं, तभी उनका कंसल्टेंसी लें। आपको लंबा प्लॉट जो हमने पहले भी दिखाया था आपको, कि मान लीजिए 50x100 का प्लॉट है, ये 30x100 का प्लॉट है। अब इसमें देखिए कहाँ है, आप लोग सोचेंगे ना कि डायरेक्शन कैसे चेंज होता है। देखिए, ईस्ट सीधा नहीं है, ईस्ट यहाँ है, 90 डिग्री ये है, टेढ़ा हो गया है। कई प्लॉट में आपको देखेंगे जहाँ पे उत्तर सीधा नहीं होता, उत्तर बल्कि इसके बदले घुमा होता है, इसका भी नॉर्थ घुमा होगा, ये घूम गया, इधर आ गया नॉर्थ 0 डिग्री। आप समझिए इसका अग्निकोण यहाँ पे आ रहा है, ये सोच के बैठे हैं कोने में अग्निकोण आएगा, नहीं जी, अग्निकोण यहाँ आ रहा है, नैऋत्य कोण यहाँ आ रहा है, समझिए ईशान कोण यहाँ आ रहा है, कैसे सारे डायरेक्शन घूम गए, सिर्फ डिग्री चेंज होने की वजह से। नॉर्थ अगर टेढ़ा हो गया तो सभी डायरेक्शन एक साथ पूरा का पूरा घूम गया, और डिग्री चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया। आज उतना समय भी नहीं है और ना लोगों को इतनी समझ है कि पुराने जमाने में जैसे हम लोग लकड़ी का प्रयोग करके लोग निकाला करते थे डायरेक्शन सूर्य की रोशनी से, आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, कंप्यूटर का जमाना है, तो किसी भी प्लॉट का आसानी से डायरेक्शन निकाला जा सकता है। सपोज ये प्लॉट है, ये एक प्लॉट है, इसका डायरेक्शन निकालना है कि इसका नॉर्थ कितना डिग्री है। अब प्लॉट पे खड़े भी हो जाएंगे ना कंपास लेके, तब भी नहीं पता चलता, कई प्लॉट ऐसे होते हैं। लेकिन ये जो व्हाइट लाइन है, जिसका बाउंड्री लाइन है, ये हमें दिखाई दे रहा है। हमने गूगल अर्थ प्रो में जाके एक छोर से लेके एक छोर पे लिया और ये दूसरा छोर है। हमने गूगल अर्थ प्रो में एक ऑप्शन है डिग्री निकालने का, एक्यूरेट डिग्री निकालने का, तो हमने क्या किया, एक छोर से लेके दूसरे छोर तक, क्योंकि नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, जो गूगल अर्थ आप या कोई भी मैप खोलेंगे तो उसमें लिखा होता है सर्कल बना के कि नॉर्थ कहाँ है, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है। तो हमारे पास डायरेक्शन निकालने कोई ऑप्शन नहीं, हमें सिर्फ ये व्हाइट लाइन दिख रहा है, तो हमने क्या किया, इस पर एक लाइन खींचा गूगल अर्थ प्रो में जाके, और जैसे ही आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाते हैं अपने आप बताता है डिग्री कितना है। यहाँ 336 डिग्री, यानी सेंटर में अगर मैं खड़ा हो जाऊँ और एक लाइन खींचू उत्तर के तरफ, क्योंकि भाई प्लॉट ये है तो हमें उत्तर तो इधर ही लगेगा ना, तो बीच में अगर खींचू तो ये जो है 336 डिग्री है, यानी कि इसका नॉर्थ जो है वो इस कोने में आएगा यहाँ पे, क्योंकि थामने 36 डिग्री है बिल्कुल सामने में, तो 336 से नॉर्थ 0 डिग्री पे होता है, यानी कि हमें 360 डिग्री तक जाना पड़ेगा, तो हमें घूमना पड़ेगा ईस्ट की तरफ, तो इसमें नॉर्थ यहाँ आ गया। किसी भी प्लॉट के गूगल अर्थ प्रो की सहायता से आप आसानी से उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। उसके निकालने के बाद प्लॉट में आप आराम से डिग्री सेट कर सकते हैं, जैसे इसका 40 डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, इसका 40 डिग्री आ रहा है बिल्कुल ऊपर की तरफ, यानी कि 40 डिग्री का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री में नॉर्थ ईस्ट होता है, तो यहाँ से सामने जो है वो 40 डिग्री हो गया। आपको कोई आइडिया नहीं है नॉर्थ किधर है, बट इतना पता है कि यहाँ सेंटर में खड़ा होंगे और सीधा खड़ा होंगे घर में, अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये 40 डिग्री दिखाता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट सामने है। इससे नॉर्थ आसानी से निकल गया, 0 डिग्री निकल गया। ऐसे 0 डिग्री नहीं निकाल सकते, बिल्कुल सामने की डिग्री निकाल लेंगे तो 0 अपने आप निकल जाएगा। उसके बाद हम सब कुछ सेट कर सकते हैं, कौन सा चीज़ कहाँ बनाना है, ये शायद किसी घर का नक्शा है,
उसको हमने बनाया होगा या शायद वास्तु के लिए आया होगा, मुझे याद नहीं है। तो उस पर हमने ये ग्रिड लगा के आपको समझाने के लिए बताया कि किस तरीके से डायरेक्शन निकाला जाता है। आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से डायरेक्शन निकाला जाता है। हमारी वास्तु के क्लास के नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो वास्तु शिखर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके, जो कि एंड्रॉयड में अभी अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या vastushikhar.com पे जाके वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एस्ट्रोलॉजी वास्तु और एस्ट्रो वास्तु तीनों कोर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।